सो वेलकम बैक स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि ये हमारा हिंदी का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने भक्ति काव्य पार्ट वन का चैप्टर को रीड किया था। अब हम इसके दूसरे पार्ट का वंदना का अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वंदना, गणेश वंदना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हैं, बालक मृणालिनी जो ही तोरी डारे सब काल, काठिन कराल त्यों काल दीह दुख को, विपत हिरत हटि पद्मिनी के पात सम, पंक जो पाताल पेली पटवे कलुष को, दूरी के कलंक अंक भव शीश शशि राम सॉरी सम, राखत है केशो दास दास के बपुष को, साकरे की साकरिन सन्मुख होत तोरे, दसमुख मुख जोवे गजमुख मुख को। तो देखिए, इसमें हम संदर्भ कैसे बनाएंगे, तो संदर्भ बनाएंगे प्रस्तुत पद्यांश वंदना के अंतर्गत संकलित गणेश वंदना से लिया गया है। किससे लिया गया है? गणेश वंदना से। तो प्रस्तुत वंदना के रचयिता या रचनाकार कौन है? सुप्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि कौन है? केशव दास जी हैं। ठीक है, तो प्रसंग में गणेश जी की वंदना करते हुए उन्हें सकल विघ्नहर्ता बतलाया गया है। ठीक है, अब इन पंक्तियों का भावार्थ कैसे निकालेंगे हम? भावार्थ निकलेगा कि केशव दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी का बच्चा कमल नाल को तोड़ डालता है, हाथी का बच्चा जो होता है वो क्या करता है, कमल नाल को तोड़ डालता है, वैसे ही गणेश जी अकाल से बड़े बड़े और भयानक दुखों को हर लेते हैं या फिर तोड़ डालते हैं। ठीक है, वे विपत्ति को हट करके पुरैन के पत्ते, पुरैन जो होता है उसके पत्ते के समान खींचकर तोड़ देते हैं। कौन? गणेश जी। और पाप को कीचड़ के समान दबाकर पाताल को भेज देते हैं। ठीक है, वे अपने दास की सदैव रक्षा करते हैं, उनके शरीर से कलंक का अंक दूर करके शिव के मस्तिष्क पर रहने वाले चंद्रमा के समान उसे वंदनी और कलंक रहित बना देते हैं। ठीक है, वे अपनी कृपा से संकट की जंजीरों को तोड़ देते हैं, ऐसे दुख निवारक पाप हारक और पाप रक्षक का मुंह महा अहंकारी रावण भी ताकता करता है। ठीक है, रावण भी उनके मुख को ताका करता था। संसार के सभी लोग उनके कृपाकांक्षी रहते हैं। गणेश जी को गजमुख कहने के कारण उनके सभी कार्यों को हाथी के बच्चे के समान वर्णित किया गया है। ठीक है, गणेश जी के श्राप से चंद्रमा कलंकित है और उन्हीं के अनुग्रह से द्वितीया का चंद्रमा निष्कलंक है। चलिए, हमारी दूसरी पंक्तियाँ हैं सरस्वती वंदना से। बानी जागरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की बही, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपबद, कही कही हारे सब कही ना काउलई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों ही ना बखानी काहू पे गई, पति बने चार मुख पूते बने पांच मुख, नाती बने षटमुख तदापि नहीं नहीं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है प्रस्तुत पद्यांश वंदना के अंतर्गत संकलित कविता सरस्वती वंदना से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता केशव दास जी हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों में या इस प्रस्तुत छंद में माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। अब माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन करते हुए भावार्थ में क्या लिखेंगे हम? कि केशव दास जी कहते हैं कि संसार में ऐसी बुद्धि या ऐसा दिमाग किसी को नहीं मिला जो संसार की रानी माँ सरस्वती की वंदना कर सके। उनकी महिमा का वर्णन प्रसिद्ध देवतागण, जितने भी देवतागण हैं, सिद्ध पुरुष ऋषिगण और बूढ़े लोग तपस्वी लोग,
इन सभी लोगों ने करने की कोशिश की, किंतु महिमा का वर्णन आज भी पूरा नहीं हो सका है। भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य में जितने भी लोग हैं माँ की महिमा का वर्णन करते रहे, किंतु केशवदास के अनुसार वर्णन उनका आज भी नहीं किया जा सका है। ठीक है, स्वयं केशवदास ने भी इसकी कोशिश की, किंतु वह भी वर्णन नहीं कर सके। माँ सरस्वती के निकट संबंधी जो कि उनकी उदारता से भली प्रकार से परिचित है, वे उनका गुणगान नहीं कर सके। पति ब्रह्मा ने तो अपने चार मुखों से, पुत्र महादेव ने पांच पांच मुखों से और पौत्र षडानन ने छह मुखों से उनकी महिमा एवं उदारता का वर्णन किया है, फिर भी उनकी महिमा का गान आज तक पूरा नहीं हो सका है। ठीक है, हम मनुष्य की क्या गति, हम मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनकी महिमा का कुछ भी वर्णन कर सकें, अर्थात हम उनके गुणों का किंचित मात्र भी, मतलब थोड़ा सा भी बकान नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं श्री राम वंदना से। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण, बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन जेत जिने दर्शन समुझने न, नीति नीति कहे वेद छाड़ी वेद झुकती को, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देह अणी मही गुण देह गरिमही, भक्ति देह महिमा मही नाम दे मुक्ति को। तो प्रस्तुत पद्यांश वंदना के अंतर्गत संकलित श्री राम वंदना से लिया गया है। ठीक है, इसकी रचनाकार वही आएंगे जो हमने उन दो पंक्तियों में लिए थे। ठीक है, कौन आएंगे? केशवदास। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति के वंदना नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? केशवदास। ठीक है, तो प्रसंग में व्याख्या पद्यांश में ये जो पद्यांश है इसमें श्री राम जी की वंदना का हृदय को छू जाने वाला वर्णन किया गया है। चलिए व्याख्या में क्या कहते हैं कवि केशवदास। तो केशवदास इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि सभी पुराण यानी कि ग्रंथ वगैरह और पुराने लोग जिसे और कतन छोड़कर सब प्रकार पूर्ण बतलाते हैं, और जिसको षट शास्त्र के समझने वाले ज्ञानी समझ नहीं सकते, वे ही श्री राम अपने प्रेमी भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अर्थात शास्त्र ज्ञानी जिनके निर्गुण रूप को नहीं समझ सकते, वही ब्रह्म प्रेमी भक्तों को सगुण रूप से दर्शन देते हैं। ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की विचित्रता है। और वेद भी जिनके लिए अन्य प्रकार से बतलाने के बदले सा इति ना इति कहकर अपनी असमर्थता को प्रकट कर देता है, अर्थात वेद भी जिसके अनेक प्रकार के गुणों का बखान नहीं कर सकता, ऐसा समझकर केशवदास भी नित्य राम राम रटता है। यद्यपि एक ही शब्द को दो बार कहना कविता में दोष कहा गया है, और पुनरुक्ति दोष को नहीं डरता, वे इस दोष से नहीं डरता, क्योंकि उस श्री राम के रूप के दर्शन से अणिमा सिद्धि प्राप्ति होती है, उसके गुण कथन से गरिमा सिद्धि मिलती है, उसकी भक्ति महिमा सिद्धि देने वाली है, और उसका नाम जपने से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी श्री राम वंदना। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपने जितना पढ़ाया है समझाया है वो सब आपने समझा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।